बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बल्की साहब और रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट और जनाब जुबैरी साहब और मेरे दीगर फेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया रोटरी क्लब मिड सिटी का कि आपने पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को यहाँ मौजूद किया है और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं और उनके जो कारनामे हैं उनके बारे में आपसे थोड़ी बहुत बातें हो जाएं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी शहरी इस मुल्क का उसके ऊपर कर्ज होता है जब वो इस मुल्क में पैदा होता है और इसकी फजाओं में सांस लेता है तो हम कर्ज के नीचे आते हैं और वो कर्ज, वो मिट्टी का जो कर्ज है वो हम अदा उस सूरत में कर सकते हैं कि हम जिम्मेदार शहरियों की तरह इस मुल्क की खिदमत करें और कोशिश करें कि अपने अपना कंट्रीब्यूशन इस कौम की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में लाएं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ना सिर्फ अपने ऊपर ये जो उसका जिम्मेदारी है वो बखूबी अदा की है बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा किया है और पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है। दो दफ़ा पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। तीन टोटल ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए हैं अब तक, 1998 में जिसमें हम रनर अप थे, उसके बाद 2002 चेन्नई इंडिया में और ये हमने जीता, उसके बाद 2006 में हमने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज भी किया और वो पाकिस्तान टीम ने जीता भी। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब तक टोटल 8 सीरीज खेली जिसमें से 7 जीती और 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इस वक्त पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम के पास। हमारी टीम में इस वक्त एक खिलाड़ी मौजूद है जिसका नाम मसूद जान है, उसने 262 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। और ये इसके अलावा फास्टेस्ट 50 है और सबसे ज़्यादा विकेट हैं और बहुत सारे भी मैंने बताया आपको और ये सारे खिलाड़ी आज यहाँ मौजूद हैं। मैं रोटरी क्लब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है और हमने हमेशा कोशिश की कि हम चाहे वो साउथ अफ्रीका की सरजमीन हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया या कोई और मुल्क हो, इंडिया हो, हमेशा पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखें। और इसकी कामयाबी की वाहिद वजह यह है कि हम अपने गेम के साथ, अपने कॉप के साथ और अपने मुल्क के साथ कमिटेड हैं और इसमें किसी किस्म की भी कोई कमी या जिसको आप आमतौर से क्रिकेट की इस्तलाह में अनप्रोफेशनलिज्म कहते हैं वो नहीं है। हालांकि ये प्रोफेशनली प्रोफेशन बाय प्रोफेशन जो है वो ये क्रिकेट नहीं है। बच्चों को हम वो वसाइल या वो फैसिलिटीज़ नहीं देते जो कि आपकी नॉर्मल टीम को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है अपने खिलाड़ियों पर, अपनी तमाम जो पाकिस्तान में नेटवर्क है, क्लब्स जो हमारे हैं और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है उस पर कि उन्होंने हर जगह पाकिस्तान का कोई भी शहर हो बहुत अच्छा और वेल ऑर्गेनाइज हमारा सेटअप है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी टक्कर की कोई टीम नहीं है। मैं आपको आज फिर यकीन दिला रहा हूँ कि कल से आज रात को जो हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए जा रही है, 4 दिसंबर को इंशाल्लाह जब ये वापस आएंगे तो आप सुनेंगे कि ये 6-0 से उनको हार के आए। जुबैरी साहब का और उनके जो बाकी कलीग्स हैं जो ये रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट हैं, बल्की साहब हैं या जो लोग भी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज मदद किया और हम इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ बैठ के। थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सैयद साहब बल्कि 2010-2011 So sir, I would request you to please tell me up on the rostrum and say a few words. President Rasa Vini,